अजय सैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेडको सारे टी एंड एक्सप्रेस ग्रुप हरियाणा। रेडको सारे टी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, वो एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हर एक युवा अपनी स्किल्स को बढ़ाए और हरियाणा की तरक्की में अपने कदमों को आगे बढ़ाए। इसके लिए आरआईटी इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया, जिला रेडको सोसाइटी और एसबीएस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मिलकर आरआईटी रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हर एक फर्स्ट क्लास से लेकर स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक और एक हाउसवाइफ से लेकर एक एक्स सर्विसमैन तक हर एक पर्सन को कंप्यूटर में, आईटी में उनको स्किल्ड करना, एडवांस आईटी के तौर पे उनको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करना और साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम में उनको स्किल, लिखना, चलना, खाना पीना हर कहीं उसको प्रोवाइड हो जाता है, पर मेन उसकी विल पावर को बढ़ाने का जो काम होता है वो रेडक्रॉस आरआईटी के द्वारा किया जाता है। रेडक्रॉस आरआईटी के अंदर बच्चा अपनी कंप्यूटर आईटी एजुकेशन, एडवांस आईटी के साथ साथ बच्चा अपनी इनर विल, इनर स्किल को भी साथ साथ बढ़ाता है। और मैं यही आप आईटी के पूर्ण हमारे लोग आप ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, watching this video. My name is Niranjan. My father name is Veera. I am at Gross RIT course ACC AP. I belong to village Sodapur. My role number is 12. Here I have to do this basic IT tally account. I am back forward. He is English typing and as well Hindi also. मैंने यहाँ पर ACCBA कोर्स किया है, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पर 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है और इसमें मैंने बहुत से सीखने को मिले हैं, जो कि MS Word टाइपिंग टैली आदि सीखने को मिले हैं। और मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो कम्युनिकेशन क्लास है, जो कि महीने में एक बार लगाई जाती है। Hello everyone, my name is Das Sonu Singh, Director, Red Cross, RIT Group of Institutions and SPS Group, Haryana. At RIIT, we focus mainly on the practical training of the students. We have designed various programs, different programs for school goers, college goers, housewives, working professionals. We focus mainly on the practical training so that students become market ready and so that they can get better job opportunities. And as you know, IT is the only thing which is desired in every kind of profession. So if anybody think of IT, then he or she should come to RIIT. Kyunki RIIT computer padhane ka nahi, computer sikhane ka sansthan hai. Aur hum log zyada se zyada focus karte hain video par. Aapko jaake khushi hogi ki RIIT jitne bhi institutes hain, ज़्यादातर 85-90% वहाँ बेटे ही पढ़ती हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आरआईटी ऐसा संस्थान है जो आपकी बेटी, बहन, बहू या आपकी माता जी के लिए बहुत एक अच्छा संस्थान है। आप भी ज़रूर आइए, कम एक्सपीरियंस इट, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू हैव टू बी स्किल्ड एंड यू इफ़ यू नीड स्किल्स प्लीज़ कम टू आरआईटी। थैंक यू।
नमस्कार, मेरा नाम राकेश जीवान, मैं हरियाणा का टेक्निकल इंचार्ज टेक्रोस RIIT से। अभी आपने मैंने कुछ बच्चों की वीडियो देखी, ये हमारे RIIT के बहुत होनहार बच्चे हैं और इन्होंने इतना कुछ यहाँ से सीखा है कि आज मैं चाहता हूँ ये मुझे भी चैलेंज कर सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और IT में परफेक्ट हो। जय हिंद, जय भारत। ये सब कहने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब हमारी जिम्मेवारी आती है सेफ पानी को बचाने की, तो सभी अपने जिम्मेवारी से पिछड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमने सेफ पानी को बचाने के लिए एक अपनी यूनिटी बनाई है। 10 मेंबर्स हैं उस ग्रुप में, छोटे छोटे वाई है, मतलब कि 10 से 15 साल के बच्चों को हमने किया है, क्योंकि 10 से 15 साल के बच्चों का गर्म होता है, खून गर्म होता है, तो उनमें जो भी आप बात कहना चाहते हो वो जल्दी हजम हो जाती है। तो इसीलिए हमने क्या ग्रुप बनाया है कि हमें पानी को बचाना है, पानी की कहीं भी वेस्टेज हो रही है उसको बचाना है। कोई भी चाहे जितने बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी हो, उसको पानी के उसको वेस्टेज को रोकना है। तो बहुत से हमने बहुत लोगों को टोका भी है, और हमने मतलब कि इतने ज़्यादा गली में भी घूमे हैं कि पानी को ना बचाइए। हर संडे टू संडे हम इसकी घर जाके इसको कहते हैं कि पानी को ना बचाइए। और आज तो रोहतक में भी बहुत ज़्यादा इसका असर दिखने लगा है हमारे मोहल्ले में, गांधी कैंप में, कि लोग पानी की उसको यूज़ को समझ रहे हैं कि पानी को हमें कम वेस्ट करना चाहिए। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपने भी यूनिटी बना ली है 10 मेंबर्स की, तो आपसे भी कहना चाहूँगा कि पानी को बचाइए, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी मुश्किल है। आने वाले आप भी 20 से 30 सालों में देखेंगे कि पानी कितना कम रह गया है। ओनली 2.5% अराउंड 2.5% पानी बचा है हमारे अर्थ पे जो पीने के योग्य है। 95% पानी खारा है, जो जिसका यूज बहुत मतलब कि रेयर किया जा सकता है। तो आपसे अंत में यही कहूंगा कि सेव वाटर सेव लाइफ। ये शब्द कहने में आसान लगते हैं, लेकिन जब आप इसके जिम्मेवारी को निभाओगे तो ये बहुत आपको कठिन लगेंगे। तो अंत में सेव वाटर सेव लाइफ। हमें उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य है अमेरिकियों को बढ़ाओ और अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। हमारे सक्सेस मंत्र, फर्स्ट आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। थर्ड आई एम दैट चेंज, मैं वो बंदा हूँ जो आने वाले टाइम में दिखाई देगा। फोर्थ टुडे इज माय डे, हमसे एक किस्म सदी कोई नहीं। आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ, ये मेरा स्टार्टअप इंडिया। सेवेंथ नेवर गिव अप, एट बिलीव इन योर सेल्फ, नाइन आई एम बिकॉज वी आर, टेन वर्क फॉर मीनिंग नॉट फॉर मनी। नमस्कार फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप सभी हमारे व्यूवर्स से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर एक युवा के पास पहुँचाएं जो भी कंप्यूटर सीखना चाहता है और अपने आप को स्किल करना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।